परसिस्टेंस, लगन चाहिए लगन। अब तो मैं फोड़ दूंगी, सर हिला दूंगी पूरी दुनिया। क्या है नारा? अचानक एक घटना हो गई, दोनों प्रेग्नेंट हो। उसने बोला, ओए कुकरी, कोई आया रे, कोई आया रे। ये धंधा P4। परसिस्टेंस P4। लगन चाहिए लगन, लगन 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 लगी लगन 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 लगन। याद है? लगी मुझे तुझसे लगन। पकड़ में आई? हाँ, जागो रे जागो, गानों से जागो, और नहीं तो और किसी चीज से तो जागो। लगन का मतलब होता है जिस चीज की लग जाती है फिर दुनिया और दिखती नहीं है भाई, वो ही दिखता है। लगन लगनी चाहिए इस धंधे की, लगन लगनी चाहिए कामयाबी की। लेकिन लगन लग तो जाए मेंटेन नहीं रहती। हाँ, टीपी में आए, कयामत ऊर्जा लेके गए। अब तो मैं फोड़ दूंगी, सर हिला दूंगी पूरी दुनिया। दूसरे दिन गई अन्ना कोंडा से मिली, उसने डस लिया, कल तक तो ठीक था, आज तो सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सही कह रहे हैं। उधर तो एक डंक से प्रभावित हो गई, आपकी ऊर्जा बरसों तक मेंटेन रहे उसे बोला जाता है परसिस्टेंस। क्रिकेट कोई भी खेल ले रहे, बरसों खेलना इज परसिस्टेंस। समय परीक्षा लेता है, बरसों बरसों नहीं हो सकता। इस धंधे में मोटिवेशन आपको जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करता है, लेकिन डिसिप्लिन ग्रो करता है। परसिस्टेंस, लगातार, सतत और लगातार करना, यह काम हर किसी की बस की बात नहीं है। इस दुनिया में एक नारा है, जुटे रहो के नारे ने मानव जाति की सब समस्याओं का हल किया है। नारा क्या था? नारा ऐसे बोला जाता है। क्या है नारा? जब भी थक जाओ, जोर से रेड लाइट की ट्रैफिक पे खड़े होके हेलमेट हटा के बोलो। जब भी आप लिफ्ट में जा रहे हो, मॉल की लिफ्ट में, और आपको लगता है कि अभी भी ऊर्जा नहीं है, तो वहां पे जोर से बोलो, क्योंकि जुटे रहो के नारे ने मानव जाति की सारी समस्याओं को सॉल्व किया है। आपको भी सॉल्व करना होगा। इस दुनिया में एक बहुत गहरा एग्जाम्पल है जो परसिस्टेंस को रियल वे में आपकी जिंदगी तक अप्लाई करता है। एक थी हथनी और एक थी कुतिया, दोनों दोस्त थी। कौन कौन? हथनी और कुतिया, दोनों गहरी दोस्त थी। दोस्ती लंबी चल रही थी, कभी वो उसके ऊपर, वो तो आ नहीं सकती थी उसके ऊपर, कुतिया ही जा सकती थी ऊपर, लेकिन मस्ती फुल करते थे। दोनों सहेलियां थी। अचानक एक घटना हो गई, दोनों प्रेग्नेंट हो गई। दोनों प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट हो गई तो दोनों खुश थी। और तेरी प्रेग्नेंसी कैसी? बहुत अच्छी है। तेरी कैसी है? बहुत, ऐसे नहीं होता था। तेरी कैसी है? वो कहती थी बहुत अच्छी, तेरी कैसी? बहुत अच्छी, ऐसे दोनों बातें करती थी। थोड़े से महीने गुजरे, 4-5 महीने गुजरे, कुतिया ने 10 बच्चे दे दिए। खुश हो गई, वाह रिजल्ट आ गया। तो उसने पूछा, तेरा क्या होगा? तेरा कुछ है भी कि नहीं है? तेरा कुछ लगता नहीं है मेरे को। फिर 6 महीने गुजरे, उसने 5 बच्चे और दे दिए। फिर वो उससे पूछती, अरे तेरा क्या हुआ, मैंने इतने दे दिए। फिर 6 महीने गुजरे, उसने 5-10 और दे दिए। वो कहती, तेरा है भी कि नहीं है, तेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 साल में उसने 25-30 बच्चे दे दिए रे। अब वो हथनी के ऊपर डाउट करने लगे, मुझे डाउट है तू प्रेग्नेंट नहीं है, तू मेरी सहेली नहीं है, तू झूठ बोलती है, मैंने लाइन लगा दी, तू एक नहीं दे पा रही, तेरा क्या है? हथनी का धैर्य खत्म हो गया। उसने बोला, ओए कुकरी, अब सुन, तू तेरे मेर मुझ में क्या फर्क है? अभी तक तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं। तूने 25 दे दी हो चाहे 30 दे दी हो, तेरे बच्चे जब धरती पे आए थे तो धरती को पता नहीं चला था। मेरा बच्चा साला धरती पे आएगा तो पहले तो इसको पता चलेगा कोई आया रे, कोई आया रे, इसको पता चलेगा कोई आया रे, कोई आया रे।
तेरे वाले रोड पे जाएंगे तो ट्रकों के नीचे आएंगे, मेरे वाला जाएगा तो ट्रक साइड में खड़ा हो जाएगा। कुकरी तुझे पता नहीं है मेरे वाले आएंगे तो क्या होगा, तेरे वाले जाएंगे तो दुनिया हॉर्न बजाएगी, अरे मेरे वाला जाएगा तो ट्रैफिक रुककर फोटोएं लेगा कि कोई बापू जा रहा है। कुकरी आई एम हथनी, तू समझती क्या है? अब मैं आपको क्या समझाया, हाथी का ही होता है ये धंधा। परमानेंट कामयाबी 5 बरस में देगा तो 5 बरस में, ये धंधा कुकरी नहीं है जो 2 महीने में 6 बच्चे पैदा करके आपको दे देगा, ये हाथी पैदा करेगा जो साला पीढ़ियों तक पता चलेगा। ये धंधा है भाई, ये धंधा है।